रोदा उपचुनाव में हैंड वायरलेस प्रिंटर डिवाइस को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई सोनीपत जिला के भाजपा अध्यक्ष एवं बड़ौदा चुनाव के प्रभारी और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने डिवाइस को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस को चेतावनी दी है कि जो इस हैंड वायरलेस प्रिंटर को लेकर अपनी हार को देखते हुए दुर्प्रचार किया जा रहा है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का अपहरण किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह पर इन डिवाइस को पकड़कर बवाल कर रहे हैं कि भाजपा इस डिवाइस के जरिए वोटिंग मशीन को हैक कर रही है। वायरलेस प्रिंटर के मामले पर देखें विधायक मोहनलाल बड़ोली ने क्या कहा। सर, ये एक ऑफलाइन ऐप है, ये एक प्रिंटर है, ये सिर्फ स्लिप निकाल के देता है, वोटर का सर्च करते हैं साथ में स्लिप निकाल के देगा। ऐसे स्लिप निकल के आएगी सर, नाम से, फादर नेम से और कार्ड नंबर से वोटर सर्च हो जाएगा और एक स्लिप निकलती है जो आज से निकल के लिख के देते हैं, वो सिर्फ इस प्रिंटर से निकल के आती है। वो सेम चीज़ है सर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एक सिर्फ प्रिंटर है। इसमें क्या करना है? बोल रहा हूँ, इसमें क्या करना है? ये मैं सभी दर्शकों को, सभी बड़ौदा विधानसभा के वोटरों को ये अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आज चुनाव के चलते हुए ये दुष्प्रचार किया है, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वोटरों को गुमराह करने का काम किया है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बूथ के ऊपर प्रत्येक पार्टी या कार्यकर्ता आने वाले वोटर को उसकी वोटर स्लिप बनाकर दे दे, जिसके पास वोटर स्लिप नहीं है उसके लिए ये एक वोट की पर्ची जो हाथ से बनाते हैं वो इस मशीन से बनती है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये वोटर का वोट डालने के लिए जब जाएगा तो उसके ऊपर उसका ब्यौरा हो। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस गांव के अंदर एक से ज़्यादा बूथ है और बहुत सारे वोटरों को ये नहीं पता होता कि तुम्हारी वोट किस बूथ नंबर पर है, तो उस गांव का व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उसका जब हम नाम इस पर सर्च करेंगे तो उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसका एड्रेस और उसकी वोट किस बूथ पर है वो बूथ नंबर इस पर लिखा हुआ आ जाता है। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, काम को आसानी से करने के लिए भीड़ ना हो, व्यक्ति को तुरंत सहायता मिल जाए, इसलिए ये हमने अपने सभी बूथों पर ये मशीन दी थी। और कांग्रेस के जिन लोगों ने, मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि कांग्रेस के जिन भी नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को जो ये पर्ची देने का काम कर रहे थे उनके साथ कई बूथों पर मारपीट की है, कई बूथों पर अपनी गाड़ी में बैठा कर उनका अपहरण करके ले गए हैं, हम उन सब के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे और कानूनी जो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी वो हम उनके खिलाफ करेंगे। ये ऑफलाइन ऐप है और कांग्रेस इसका दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो इसी प्रकार से वो हथकंडे अपनाती है। आज कांग्रेस इस बड़ौदा का चुनाव को, अपनी हार को उन्होंने एक तरीके से स्वीकार कर लिया है और बौखलाहट में वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी कांग्रेस के द्वारा हत्या है। वायरलेस प्रिंटर पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो बवाल कर रहे हैं, आइए देखते हैं क्या कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। इस भाई का बीजेपी ऑफिस से फोन आया हुआ है और ये क्या नाम है? जसबीर। जसबीर गांव कोड़ा। क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये वोटर कार्ड रही थी मशीन ले तो ये मशीन क्या है, ये कहाँ से मिली? पकड़ी हाथ में। गोहाना से। किसके पास से? शुभम होटल में था, नाम नंबर है उसका। ये शुभम होटल से इसको मशीन मिली है, उसका नंबर लिए हुए। कौन सी पार्टी से ये? बीजेपी से। ये कौन सी पार्टी से है? मशीन। हाँ, मशीन तो उन्होंने दी थी बीजेपी वालों ने। मशीन बीजेपी वालों ने दी है और ये बाहर वोट डाल रहा है बीजेपी की ये लड़का।
देखिए खुले आम किस प्रकार से कितनी बोतल लेने पूछ रहा था प्रशासन की नियमों की चुनाव आयोग की अवहेला की जा रही है, नियमों की धजिया उड़ाई जा रही है। सिलेंडर बांट दिए, पैसे ले, इन्होंने पैसे ले रखे है, सिलेंडर ले रखा है, और ये जो है बीजेपी की वोट डलवा रहा है फर्जी तरीके से। किस प्रकार से चुनाव आयोग की अवहेला की जा रही है, नियमों की धजिया उड़ाई जा रही है, प्रशासन की नाक के नीचे और प्रशासन की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। इस प्रकार से प्रशासन और बीजेपी यहाँ चुनाव जीतने वाली नहीं है। बैठा था बैठनी बात है भाई, जो ये भाई बाहर से आया हुआ है, ये भाई कोड़ा से आया हुआ है, ठीक है, डुटी आई कार्ड होना चाहिए। किसने भेजा नंबर? हाँ नंबर, नंबर बताओ इसका, नंबर नंबर मिला से तीस नंबर मिला किसके? नंबर दिखाया, बोलो नंबर, बोलो क्या है, क्या नंबर है? हाँ नंबर, नंबर बोल के है, नंबर है 70154 ये नंबर है, ये 72210 ये नंबर, 70154 72210। अभी भी फोन आया पूछ रहा कितनी वोट ली है इस व्यक्ति ने, इसको भेजा है वोट डालने के लिए, और अब हमारे सामने इसका फोन आया है कि वो पूछ रहा है कितनी वोट डली है। ये जो मशीन है, ये मशीन लिए हुए है और यहाँ फर्जी तरीके से वोट डालने का काम किया जा रहा है। बस इतनी बतेरी हो जाएगी, इतनी बड्डी ना बनाओ, बड्डी चाहिए इसकी, और आने कर इसका मुंह यूथ है भाई, एक और नकली भी हम लेगा वोट करवादा भाई बोर्ड का हमें रोकी ना रोक रहे कुआड़ मुन दिलू दिलू कुआड़ मुंदे भी इतना बढ़ने के नाम कुआड़ मुंदे कुआड़ मुंद सकल मुंदे सकल मुंद सकल मुंद सकल मुंद बैठा 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 रुक जा एक मिनट एक मिनट किसने भेजा? नाम बोल, नाम नाम बोल, किसने भेजा? तेरा क्या नाम है? सागर है भाई, यू दिखा मशीन हुआ कुआड़ मुंदे मशीन की तरह बजेंद्र है, बजेंद्र नाम का बोलिए, अरे मशीन की तरह ना, कोई नहीं मारेगा, नाम बोल, नाम सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ, सच्ची बताओ, किसने भेजा, किने भेजा, आईडी दिखा तेरी, आईडी दे, आधार कार्ड कार्ड भाई, ये नाम है इसका सुरेश है भाई, ये है भाई सुरेश कुमार, देश का दे मशीन दे रहा मशीन की है, रुक जा रुक जा, आधार कार्ड से किसने भेजा है, किसने भेजा है, क्या क्या का भेजा था, एक मिनट बाहर का चल जा रहे एक मिनट रखो, कुछ तो जो बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ, और इसी बीच आईटी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, चलिए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष,
एक आईटी एक्सपर्ट के नाते आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा के अंदर आज बरोदा विधानसभा के ऊपर एक उपचुनाव है, एक सीट के ऊपर, और लगभग 4 घंटे हो चुके हैं वोटिंग होते हुए। अब विपक्ष जो कांग्रेस है, उस द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वहां पर, उन पोलिंग एजेंट्स के पास एक प्रिंटर है और एक मोबाइल फोन है। ये सबके पास होता है, ये मोबाइल से चलने वाला प्रिंटर है और ये मोबाइल फोन है। भारतीय जनता पार्टी एक, आप जानते हैं, एक टेक्निकली बहुत सक्षम पार्टी है, हमेशा जोर देती है। आज हमने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको सुविधा देने के लिए, कोरोना का समय था, शायद हर घर तक पर्ची डिलीवर ना हो पाई हो, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ईसीआई के रूल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट्स को एक फोन और एक डिजिटल प्रिंटर दिया, ताकि वो पर्ची निकालकर बूथ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उसका पता चल सके कि कौन से बूथ के ऊपर कितने नंबर पर उसका वोटिंग होने वाला है, शायद अगर प्रशासन के द्वारा घर तक ना पहुंचाई गई हो। अब विपक्ष ने उसको एक मुद्दा बना दिया कि ईवीएम हैक कर ली गई है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। पोलिंग एजेंट्स ने बार बार बताने की भी कोशिश की कि हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, अंदर मशीन, किसी भी तरह की मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम तो केवल एक यहां पर आने वाले जनता, चाहे वो बीजेपी को वोट दे या ना दे, हम उससे ये नहीं पूछ रहे कि आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। बात है एक वोटर के हेल्थ की, जो मतदाता अपने घर से बाहर निकल कर आ रहा है, बात है उसकी सुरक्षा की। तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता भी देता हूं कि हम इसे किस तरह प्रयोग में ले रहे हैं। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद की एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन से खुद कोई भी, किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाटा चेक कर सकता है, उसके नाम से, उसकी उम्र से, उसके पता से, कि उसका किस बूथ नंबर पर वोट होने वाला है। एक हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो वहां पर बैठे हुए एजेंट्स हैं वो किस तरह से मतदाता का हेल्प कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक ऐप है, ऐप के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की सूची है, ये खुद ईसीआई द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि हमें किस व्यक्ति के लिए कोई पर्ची निकालनी है। मान के चलिए हमें इस व्यक्ति के लिए पर्ची निकालनी है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, प्रिंट। स्टार्ट। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जितनी भी हमारी ईसीआई द्वारा दी गई डिटेल होती है एक पर्ची के ऊपर, मतदाता के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसे एक बूथ के अंदर चाहिए, वो आपके सामने है। इस मशीन द्वारा केवल और केवल उस पर्ची की ही स्लिप निकाल दी जाएगी। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कैसे ये काम करता है। प्रिंट करो सर। ये एक पर्ची निकल कर आई है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पर्ची पे दिखाएं। इस पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, केवल और केवल वो इन्फॉर्मेशन जो एक मतदाता के लिए बूथ के अंदर जरूरी है। तो मैं टेक्निकल पर्सन होने के नाते कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आसानी से मतदाता को कोई परेशानी न हो, इजीली वो अपना वोट कास्ट कर सके। क्योंकि इस समय मतदाता के दिमाग के अंदर और मन के अंदर जो सबसे बड़ा डर है वो कोरोना वायरस का है, लेकिन फिर भी मतदाता बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत सच की ही होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।